पूरा देश इस साल अमृत महोत्सव मना रहा है, देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं, और ऐसे में केंद्रीय शहरी एवं आवास मंत्रालय की तरफ से एक प्लेस मेकिंग मैराथन के जरिए आगरा का जो भगवान टॉकीज फ्लाईओवर जंक्शन को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ हैं नगरायुक्त और CEO स्मार्ट सिटी निखिल फुंडे। फुंडे साहब, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, इसकी शुरुआत हो गई है, क्या रहने वाला है, क्या मैकेनिज्म रहने वाला है और इस बदलाव को किस तरह से आप देखिए? जैसे आपने कहा कि हम लोग 75th एनिवर्सरी इंडिपेंडेंस की मना रहे हैं, उसको आज़ादी का अमृत महोत्सव के नाम पर मनाया जा रहा है। पूरे वर्ष भर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसी में से एक एक्टिविटी थी स्मार्ट सिटी और नगर निगम के द्वारा ये की जा रही है आगरा ट्रैफिक पुलिस के साथ, जिसमें एक चौराहे को या एक जगह को लेकर उसका कायाकल्प करना था। हमने उसके तहत भगवान टॉकीज जंक्शन जो है इसका सिलेक्शन किया है, और ये जंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रैफिक के लिहाज से और लोगों के आवागमन के हिसाब से। तो हम लोगों ने जो तीन प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की थी वो थी एक ट्रैफिक की, एक साफ़ सफाई की और दूसरे इसके सौंदर्यीकरण की। तो हमने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके डीकंजेशन के लिए कार्रवाई की है, साथ में हम लोगों ने जो पेंटिंग है उससे आकर्षक बनाया है, और यहाँ ग्रीनरी करके हम लोग हॉर्टिकल्चर ग्रीनरी के लिए हॉर्टिकल्चर का भी कार्य कर रहे हैं, तो इससे ये साइट बहुत आकर्षक हो जाएगी। और जो हम बड़ी चुनौती आपके सामने ये होगी कि इसको किस तरह से मेंटेन किया जाए, क्योंकि होता क्या है कि जब तक कोई इनिशिएटिव लिया जाता है या थोड़ा इन्फोर्समेंट बढ़ता जाता है तो चीज़ें हो जाती है, लेकिन फिर से वही हो जाती है। जी, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत एक चैलेंज होता है, बट मुझे यकीन है क्योंकि इतने जन सहयोग से ये कार्य हो रहा है, तो जो इसका मेंटेनेंस है वो भी जन सहयोग से हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले तो मैं नगर निगम के कमिश्नर साहब और उनकी टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने ये बीड़ा हाथ में उठाया है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना योगदान दिया है। आगरा ने भी इसमें कदम बढ़ाए हैं। भगवान टॉकीज एक ऐसा चौराहा है जो व्यस्ततम चौराहों में से एक है आगरा के, और लाइफलाइन है, लगभग हर तरफ से यहाँ ट्रैफिक आता है। अगर ऐसे में इस चौराहे को हम साफ कर सके, यहाँ एक व्यवस्था दे सके, ऑटो की सिटी बसेस की पार्किंग का एक सिस्टमेटिक प्लान बनाया हुआ है, पुलिस की गाड़ियाँ या जो VIP मोमेंट के लिए गाड़ियाँ हैं उनके लिए अलग पार्किंग है, सार्वजनिक शौचालय बनाया है, यहाँ जो चौराहे पे कंजेशन था उसको 100 मीटर दूर सरकाया जा रहा है, यहाँ जो ठेले रिक्शे ऑटो लगते थे उनको अलग किया जा रहा है, तो अगर हम इसको एक व्यवस्था में ला सकें तो ये एक उपलब्धि होगी और इसको फिर हम और जगह रेप्लिकेट कर सकेंगे। तो ट्रैफिक पुलिस का पूरा सहयोग रहेगा, बल्कि हम लोगों के जॉइंट इनिशिएटिव पे ही ये सब काम चल रहे हैं। कल भी नगर आयुक्त साथ में थे हमारे, और कोशिश हम यही करेंगे कि वी कैन डू फॉर द बेटरमेंट ऑफ द आगरा पीपल, सो इट विल बी आवर ऑनेस्ट अटेम्प्ट। ये भगवान टॉकीज चौराहा जो और उसका जो फ्लाईओवर है उसको पूरी तरह से 75 घंटों में किस तरह से उसको कहा जाए, उसका ब्यूटिफिकेशन किया जाए, उसको किस तरह से ट्रांसफॉर्म किया जाए, इसलिए ये प्लेस मेकिंग मैराथन है। उसकी शुरुआत जो आगरा के मंडलायुक्त हैं वो इसकी करने जा रहे हैं, और 75 घंटों में आगरा का जो भगवान टॉकीज चौराहा और जो फ्लाईओवर है पूरी तरह से बदला हुआ नजर आएगा। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।